कितना टाइम बचा? अच्छा, अभी है आधा घंटा। ये भी दशहरी है, वो कह रहे हैं कि आप उल्लू बनाया कल दशहरी है। दशहरी कह रहे हैं दशहरी तो मीठा होता है, वो लाल बाग है। अम्मी कह रही है कि एकदम केरी लग रहा है, लेकिन भैया कह रहे थे कि मीठा होगा क्योंकि दशहरी है। मैंने कहा सेम डायलॉग कल वाले भैया ने भी बोला था कि दशहरी है तो मीठा ही होता है। मैंने कहा बहुत खट्टा खिला दिया, अभी अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। कार में हमारे पड़ोसियों की तरफ से आए दही बड़े। बोला भी क्या सबको दही बड़े बहुत पसंद है तो मैं लाई। अल्लाह सो स्वीट, थैंक यू। डाउनलोड द ऐप। नौ बज रहा है, मैं गर्म पानी पी रही हूँ और अम्मी पापा का खाना तैयार कर रही है। ये पापा के लिए कद्दू, हाँ। पापा के लिए कबाब, हाँ। ये पापा के लिए सलाद, अच्छा। और रोटी पापा की दोई है। अच्छा, और हम लोग के लिए क्या बना? लाओ ऊपर से ले लो, तुम्हारे लिए ये बनी है पालक, मटर, मटर और पालक, हाँ। अच्छा, और दिन की दाल रखी है। दिन की दाल, दाल रखी है। आम खा के तो बताओ, देखने में लग रहा है हमें कैसा कच्चा मीठा नहीं। कल चलोगे बोल रहे, कच्चा वाला है पक गया। अच्छा नहीं है बेसिकली, ये से 150 रुपए किलो दिया है। किस्मत में नहीं अच्छा दशहरी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस टाइम हो गया है दशहरी का टाइम और सब लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। बीच में कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया, एनर्जी थोड़ी कम लग रही थी, थोड़ा आराम किया। चलिए अभी हम दशहरी कर लेते हैं, टाइम बहुत कम है, धीरे धीरे टाइम जो है वो कम होता जा रहा है। रेहान खा रहा है रोटी पराठा और कबाब और फिर बाद में खाएगा चाय, मतलब पिएगा चाय। नींद आ रही है, बन गई है चाय, रोटी, हाँ हल्का सा घी लगा के ना, सर नमक छिड़क दो, हल्का सा हो जाएगा। चलो पराठा खाया और नुकसान थोड़ा कम करेगा। गुना इसमें भी है, पराठा आटे का खाना बड़ा गुना और ये छोटा गुना। ठीक है चलता है, 10 दिन के रमजान बचे हैं बस, आज से बड़ी वाली रातें भी शुरू हो जाएंगी और आज जुमा भी है। रात के पकौड़े भी बचे हुए रखे हुए, ये भी खा लेती हूँ। रिजा फ्रिज से थोड़ा सा ठंडा पानी और थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिक्स करके फिर क्या मजा मिलता है ना रिजा, एकदम बराबर का ठंडा। पार्ले जी भी रखा हुआ, सोचो ये भी खा लूँ। रिजा का बड़ा कटोरा, उसके पराठे और ये है मेरी आज की सहरी, रात की सब्जी मैंने खाई नहीं थी, चाय और ये पराठे। क्या हुआ फ्रेंड, जब खाने का टाइम चल रहा था उस वक्त पता नहीं मैं कोई से काम में लग गई, सबने खाना खा लिया, मैंने मम्मी से बोला बाद में खा लूंगी, उस वक्त हम खाना ही भूल गए, वॉक पे चले गए, आके लेट गए, सब सोने चले गए और फिर मुझे 2 बजे के आसपास याद आई कि मैंने खाने नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैं 2 बजे से सहरी का इंतजार कर रही थी कि कब सहरी का टाइम होगा मैं खाऊंगी, इसलिए मुझे ज्यादा भूख लग रही है, इसलिए मैं एक बिस्किट भी खाऊंगी, ये भी खाऊंगी, ये भी खाऊंगी, ये भी खाऊंगी, मैं खा लेती हूँ, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। सुबह सहरी के टाइम मम्मी नहा के आ गई है और मम्मी आज मुझे इतनी भूख लग रही थी, मुझे इंतजार था कब मम्मी उठेंगी अपना तरबूज का डब्बा खोलेंगी और मैं खाऊंगी, क्योंकि आपका तरबूज का डब्बा आपके पहले तो मैं खोल के खा नहीं सकती, अच्छा भी नहीं लगता, मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा सहरी में ही खाऊंगी। तो पहले मुझे नहीं तरबूज का मन करता था, आजकल गर्मी ज्यादा हो रही है, अच्छा भी रहता है, अच्छा भी लगता है, रख देते हैं अब तार के टाइम, बस अभी निकल भी आएगी, सहरी कर लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। रेहान की नियत लगी है, खा लो ना, खा लो ना, लगी तो रेहान की सोने में नियत लगी है। उसको बस जल्दी खा के सारी करके सोना है। बेटी वाले खा लो खरबूजा, गिर रहा है, नियत लगी है, गिर गया। सहरी हो गई है फ्रेंड्स, अभी नमाज पढ़ रही है, मेरी नमाज हो गई, अभी मैं सो रही हूँ। आज इफ्तार पे जाना है तो ये वाला पहनो, ये वाला मैरून वाला। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। ये वाला आउटफिट अभी पहन लिया है लेकिन इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ रख के घुमा दिया, तो अभी मैं नमाज का दुपट्टा ओढ़ लिया है, अभी मैं जा रही हूँ नमाज पढ़, नमाज के बाद आपसे मिलती हूँ। नमाज और कुरान पाक पढ़ के हो गया है और आज जुमा है तो ये वाले अबाया में सिर्फ लास्ट बचा फोटोशूट करने के लिए, अभी मैं इसे पहन लूंगी, बड़ा ही प्यारा सा लेयर्ड है, आपको पहन के दिखाती हूं। जल्दी रेडी होना है क्योंकि संतोष मेरे को ऊपर काम भी है, कि आज भाभी की इफ्तारी है तो सारी चीजें लेने भी जाना है और मुझे फोटोशूट भी आज अर्जेंट है, इसलिए मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ। उसके साथ मैं आज वाला हिजाब डाल रही हूँ, ब्लैक ब्लैक हमेशा बहुत होते रहते हैं, पोलका डॉट बहुत अच्छा लग रहा है, इनके साथ ही उन्होंने भेजा था। मैं आपसे रेडी होगी, मैं क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही है। जब मैं फोटोशूट के निकलती हूँ तभी यहाँ नीचे सफाई हो रही होती है, इतना डर लग रहा था कि मैं फिसल ना जाऊँ। हम लोग लोकेशन पे आ गए हैं, बस हमें यहाँ से भगाए ना कोई। आज इतना लो लग रहा था ना फ्रेंड्स, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था बस सो जाओ। अरे खोलो, मैं लेट जाऊंगा यही, इतनी देर से टाइम लग गया, हवा चल रही थी, हवा की वजह से ये सब पूरा उड़ रहा था, उसका लुक नहीं आ रहा था। अभी मैं आगे, मुझे बहुत अजीब सा आज लग रहा है, वॉमिट जैसा सर्दी भी है। अभी पापा की डायबिटीज चेक करके आती हूँ, इस वक्त बच चुका है 5, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ी सी बड़ी 10 पॉइंट। आज इफ्तार की दावत में जाने के लिए मैं ये वाला आउटफिट पहन रही हूँ, ये नॉर्मल सा अनस्टिच आउटफिट मैंने लिया था और इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैंने इसमें ये लेसेस लगवा ली थी, ये दो, ये मस्टर्ड इसलिए क्योंकि दुपट्टे में मस्टर्ड था और ये थोड़ा गोल्डन ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि इसमें गले में इतना था, स्लीव्स खाली लग रही थी तो ऐसे अच्छी नहीं लगती। और इसी तरह मैंने ये बॉर्डर में मतलब दामन में लगवा लिया था आगे और पीछे, और यही मैंने पैंट्स के नीचे लगा लिया था, तो अभी मैं ये पहन लेती हूँ। देखो उधर सब लोग, अच्छी लग रही है, ऐसे ट्राई के लिए पहनाया है। देखो हमारे कोई सऊदी से, रेहान सऊदी से कोई आया हमारे यहाँ, वो आई है क्या? तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये आउटफिट पहन लिया है, मैंने सोचा मैं आपको मिरर में दिखा दूं कि लेसेस से कितना डिफरेंट लुक आ गया। भाभी का मैसेज आया कि पापड़ वाली दाल बना दो, हम सब लोग जाने लगे हैं ऊपर इफ्तार के लिए भाई भाभी के पास, तो चलो चलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं सब भाई भाभी के घर और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इंतजाम है और हम लोग यहाँ बैठे हैं और भाभी ने बनाया वड़ा पाव। आज मुझे इतनी प्यास लग रही थी कि मैंने सोच लिया था कि मुझे आज शरबत पीना ही पीना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बैठ के यहाँ पे इफ्तार कर रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है नमाज पढ़ के, भाई नमाज हो गई, अभी हमारी बाहर चाय बन गई तो चलते हम पियेंगे चाय।
थैंक यू स्टार के लिए भाभी, बहुत अच्छा लगा, बड़ा भाव बहुत अच्छा लगा। भाई ने आज बहुत खातिरदारी करी, सारी प्लेट्स खुद लगाई है। चलो भाई हम लोग को जाना है, बाय अभिषेक, बाय अंकित, बाय। कब लोग जल्दी जल्दी एडिट हो रहे हैं भैया? सीए ने बोला कल 12:00 तक आना, अभी आप वही मुझे पार्लर तक ले चलो। चलिए मैं बताती हूँ, फैम सलोन। हम लोग आ गए अपने आईब्रोज करा के, हम इतने दिनों बात कराई थी, इतना दर्द हुआ। देख रहा कितनी लाल पीली हो रही है। लाल हो रहा है मेरा पूरा मुंह ना। सही, बहुत लाल किया सालू। अम्मी इतनी ताकत ताकत से बनाया है। लगता तो है, और जितने दिनों बात करो उतना और ज्यादा लगता है। कुर्सी पे बैठे हैं वो लोग। कौन? नीचे हैं पोर्च में अपना। कौन? चार लोग। वीक का दूसरा गिफ्ट। पहला गिफ्ट वो सूट था जो मुझे आया था, वो मैंने दे दिया। अच्छा, डलिया में? हाँ। अच्छा, पहला हो गया। अम्मी दिया तो मैंने, ये दूसरा है। दूसरा है? अब हफ्ते भर देना, अभी खट्टा दे दूंगी। पहले अच्छा तो अच्छा है। अम्मा देख कलर कितना अच्छा है। दो दिन बाद बेटी का फिर फोड़ देगी। हाँ, ये बात सही। अब मैं लड़ जाऊंगी बेटी कलर से चालू, अगर फोड़ेगी तो। वीडियो को एंड करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा था। आज हम लोग इफ्तारी के लिए गए थे भाई अभी के घर, काफी अच्छी अच्छी चीजें खाई और अम्मी को इनका गिफ्ट भी मिल गया। वो सारी आज की इफ्तारी सानू ने जमाई। हाँ, भाई ने जमाई। आज उन्हें समझ में आया कितना मुश्किल होता है। कल दीपिका बनाएगी दाल गोश्त। दाल गोश्त, अम्मी उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो अभी हम चलते हैं और मैं देखो रोज ब्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूं, इसलिए मैंने कल भी डाला था और मैं लेट डालूंगी, लेकिन इसे अभी डालूंगी एडिट करके। और मैं आपसे थोड़ी देर बाद ज्यादा बात करेंगे तो उतना ही लंबा चला जाएगा। अम्मी का दूसरा गिफ्ट। दूसरा गिफ्ट अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा जैसे आगे बढ़ लेके जाना। अल्लाह हाफिज़। आई लव यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।